तो फाइनली गाइस जो अपना पैराफल इगोगन और उसके टोकन्स के रिडीम कोड में जो एरर प्रॉब्लम आ रहा था गाइस वो अब सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके सामने अपने मेन आईडी में लाइव क्लेम आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। एंड साथ ही में यहाँ पे जो उसके टोकन्स है वो भी मैंने क्लेम कर लिए। एंड साथ ही में आप लोग के सामने इसका लेवल अप करके भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल का हो गया है। एंड गाइस आप लोगों ने देखा मैंने बिल्कुल सक्सेसफुली आप लोग के सामने अपने मेन आईडी में लाइव क्लेम करके दिखा दिया। गाइस आज की वीडियो से सारे के सारे बंदों को मिलने वाला है ये इगोगन और उसके साथ इसके टोकन भी, क्योंकि गाइस ये जो हमारा रिडीम कोड है ये फाइनली ऑल सर्वर के लिए वर्किंग निकल के आ चुका है, जो कि ऑल टाइम वर्किंग रिडीम कोड है। एंड गाइस इसका जो रिडीम कोड है मैं आपको एक बार लाइव यूज करके भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से रिडीम कोड फिलअप कर रहा हूँ। एंड जैसे ही रिडीम कोड मैंने पूरा फिलअप किया वैसे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ चुका है। एंड कन्फर्म करते कि नहीं मिल गया इवो पैराफल पे टोकन गाइस। एंड गाइस ये मुझे मेरे मैन आईडी में मिल गया था 24 घंटे के अंदर, मतलब कि गाइस आज का जो ये रिडीम कोड होने वाला है इससे आप लोग को भी मिलने वाला है ये इगोगन, उसके साथ ही आपको मिलने वाले इसके 2000 से ज्यादा टोकन, जिससे आप इसका लेवल 7 तक कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को अच्छे से देखते हुए आना है। वीडियो में आप लोग को जो जो मैं बताता हूँ उसे अच्छे से फॉलो करते आना है। तो पहले तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये अपना रिडीम कोड ऑल सर्वर के लिए वर्किंग है, मतलब कि गाइस आप इंडिया सर्वर से लेकर बांग्लादेश, नेपाल सर्वर, पाकिस्तान सर्वर और इंडोनेशिया, मलेशिया सर्वर, कोई से भी सर्वर की आईडी में ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस अगर आप इस वीडियो को कितने दिन भी बाद देख रहे हो फिर भी आप इसे रिडीम कर सकते हो, क्योंकि ये ऑल टाइम वर्किंग रिडीम कोड है गरेना की तरफ से। एंड अब बताता हूँ आप लोग को कैसे आप लोग को रिडीम कोड को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली रिडीम करना है, जिससे आप लोग को कोई भी एरर या इनवैलिड प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो पहले तो आप लोग को सिंपली से रिडीम कोड को एक्टिवेट कर लेना है। रिडीम कोड एक्टिवेट करने के लिए सारा प्रोसेस आप लोग जानते ही हो, एंड जो बंदे नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। तो गाइस पहले आप लोग को रिडीम कोड एक्टिवेट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है, जो कि मैंने पर्सनली ऐड कराई है इस रिडीम कोड में, जो कि ये गाइस कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अच्छा से कमेंट कर देना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देन गाइस आपका जो रिडीम कोड होता है वो सक्सेसफुली से एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपको कोई भी एरर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। बट गाइस यार कई सारे हमने यार कभी कभी यार रिडीम कोड की रिक्वायरमेंट में मिस्टेक कर देते, जिसकी वजह से उनका रिडीम कोड एक्टिवेट नहीं होता, फिर उनका रिडीम कोड वर्क नहीं करता। तो आप लोग को ऐसा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना रिडीम कोड अच्छे से एक्टिवेट करके ही रिडीम करना था, कि आप लोग को कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। एंड गाइस ये आपके स्क्रीन आपके मेन आईडी में मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर, जैसे आप लोग को मैंने लाइव क्लेम करके दिखाया था। तो चलो गाइस सारे बंदों को बाय।